पटना समेत पूरे बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है और बारिश जारी है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है और सुबह से ही बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आज से शुरू हुई बारिश अगले 3 दिनों तक इसके आसार नजर आ रहे हैं, यानी राज्य भर में 3 दिन बारिश के आसार होंगे और कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर में भारी बारिश की आशंका है। सोमवार को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश में पश्चिमी मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जारी की है। आज से बारिश शुरू हुई है, अगले 3 दिनों तक इसके रहने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। 3 दिन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बिहार सहित पूर्वी भारत में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। इससे प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और आज से शुरू हुआ बारिश अगले 3 दिनों तक इसके आसार रहेंगे, यानी मानसून एक बार फिर से बिहार में एक्टिव हो गया है। पटना में ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं सड़क पर लोगों की आवाजाही भी कम नजर आ रही है क्योंकि बारिश है और ऐसे में कम लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं अगले 3 दिनों तक इसके प्रभाव के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक मौसम का यही हाल होगा। लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना भी कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।